एवरीवन, और अभी मैं हूँ कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 2 में। और अभी बहुत दिनों बाद यहाँ पे बारिश हुई है, मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे कोलकाता में। एक्चुअली क्या था, इतना गर्मी था और बारिश भी होता था ना, तो इतना गर्मी होता था, वो नहीं होता है मॉइस्चर, वो सब ज़्यादा होता था, तो उसके चलते बारिश के बाद गर्मी भी ज़्यादा लगती थी। ठीक है, क्योंकि रात को बारिश हुआ, सुबह धूप निकल गई, बारिश भी सही से नहीं होता था। तो आज पूरा सही से बारिश हुआ है और अभी देखिए पूरा क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। और यही था कि मतलब जैसे ठंडा था तो ठंडा, अब गर्मी आएगा। इस बार गर्मी इतना ज़्यादा है कि मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पार कर रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हम लोग पहले EVS में पढ़ते थे, इन्वायरमेंटल साइंस में, उसको दर्शाता है। और यही सब है, चलिए आगे चल के आज बात करते हैं। और यहाँ पे आगे हम लोग अभी फ्लाईओवर पकड़ के जाएंगे। देखिए पूरा भीगा हुआ, इधर भी पानी जमा हुआ है पूरा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है ना, मतलब ट्रैफिक की वजह से पानी नहीं जमता है ऑब्वियसली, मतलब इतना इधर पानी भी थोड़ा लो एरिया होगा ये। और आगे चलते हैं, ये थोड़ा भीड़ वाला जगह है, आगे चलते हैं। देखिए ये पूरा वही सर्दियों के जैसा मौसम है पूरा। खाली मिल रहा है अभी यहाँ पे, ट्रैफिक रुका हुआ था ना, इसीलिए मुझे अभी यहाँ पे खाली मिला। 7 का स्पीड, हाँ सही है, जो लिमिट है उसी में चल रहा हूँ मैं। मतलब जनरली अभी मैं मोबाइल GPS यूज़ करना अवॉइड ही कर रहा हूँ, GPS के बिना हर जगह पहुँचेंगे तो अपना भी प्रैक्टिस सही होगा। यहाँ पे आ गए फ्लाईओवर के पास। चलिए आज आप लोग को एक नया रास्ता से ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ का ट्विन टावर, और ये देखिए यहाँ क्या है, साइंस सिटी। हाँ, यहाँ का साइंस सिटी। हम लोग रूफी होके जाएंगे, क्योंकि साउथ में वैसे भी जाना है, तो ये पार्क सर्कस होके जाने का कोई मतलब नहीं बनता, इधर बहुत भीड़ लगेगा। तो चलिए आज साउथ का गोड़िया हाट भी देख लेंगे हम लोग। ट्रैफिक खुला, फिर आगे का सही है। देखिए अभी गड़िया पाटुली की तरफ आ गए। वेलकम टू ईस्ट कोलकाता टाउनशिप। और ये है रूबी क्रॉसिंग। और यहाँ अभी मेट्रो अभी कंप्लीट नहीं है, और यहाँ से टर्निंग लेना है लगता है मुझे। टर्निंग कैसे लेंगे, यहाँ से टर्निंग लेके सीधे जाएंगे तो गड़िया हाट मिलेगा। ये सीधे रास्ता पूरा साउथ कोलकाता चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या लिख दिया है, रवि ठाकुरेर मोड़। ठीक है, ये रूबी मोड़ है, अब वहाँ पे लिखा है रवि ठाकुरेर मोड़, कस्बा ट्रैफिक गार्ड, खुलने ही वाला है। सब सीधे चलते हैं, सीधे कोलकाता पहुँचते हैं गड़िया हाट होते हुए। गड़िया हाट भी दिखा दूंगा आप लोग को आज। बहुत दिन बाद ये रास्ते पे आ रहा हूँ मैं। गीतांजलि स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है।
बारिश फिर से स्टार्ट हो रहा है। सब वाटरप्रूफ है, मेरा कपड़ा तो वाटरप्रूफ नहीं है, ना रेनकोट लेके आया हूँ ना कुछ। अभी ये ब्रिज पार करेंगे और उस पार है गड़ियाहाट। गड़ियाहाट बंगाली में गोड़ियाहाट, तो ये वो एरिया है, मतलब समझिए जैसे मार्केट है ना, धर्मतल्ला मार्केट, एस्प्लानेड मार्केट, वैसा ही एक ये एक बड़ा मार्केट है। बालीगंज पार किए और आगे यहाँ गड़ियाहाट। की खुला अच्छा, ये वाला खुला था, ये उधर का सिग्नल था जिसके लिए मैं रुका हुआ था, वो पुलिस ने बताया, हेल्प किया। कहीं जगह पे आप पहली बार जाए ना, वो भी बाइक लेके, मैं मतलब ऐसे बस वगैरह से तो गया हूँ मैं इन सब रास्ते से, पर बाइक वगैरह से नहीं गया हूँ, तो इसलिए ये सब दिक्कत आता है। यही है वो पुलिस मैन जिसने बताया मुझे। और ये गड़ियाहाट ये सब भी बहुत पुराना मार्केट में आता है यहाँ का। ये ट्रैफिक खुला, सीधे चलते हैं, यहाँ से तो खाली ही दिख रहा है सब। गड़ियाहाट पार किए, तो मार्केट है ये सब जो दिख रहा है ना, कपड़े कपड़े ये सब छोटे छोटे, वो सब स्टॉल लगे हुए हैं सारे, ये सब स्टॉल है कपड़े के सारे। मार्केट है ये पूरा मार्केट, गड़ियाहाट मार्केट। देखिए मस्त कपड़े वगैरह के लगे हुए हैं। पुराने पुराने हैं वो, ब्रिटिश टाइम के ही है ये सब। देखिए कितना कितना पुराना दुकान ये सब है। घर भी सब पुराने हैं यहाँ पे। ये है देशप्रिय पार्क। देशप्रिय पार्क आप कैसे बताऊँ, एक बार विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा माता का प्रतिमा बना था एक साल यहाँ पे, बहुत भीड़ हुआ था, वो यहीं पे बना था देशप्रिय पार्क में कोलकाता का। और बस सब थोड़ा सा आगे देखिए राजबिहारी एवेन्यू देशप्रिय पार्क, और थोड़ा सा आगे वाला मोड़ ये है आपका कालीघाट जाने का रास्ता। कालीघाट में बहुत स्टेशन है जहाँ से, और वहाँ से कालीगंज तरफ चलेंगे। लेक मॉल यहाँ का, ये सब प्रिय पार्क के आसपास भी मैं एक बार कॉलेज के टाइम में काम किया हूँ, जॉब करता था। अरे उंगली दिखाने से नहीं होता, चलिए टालीगंज तरफ मुड़ जाते हैं, सिग्नल खुला हुआ है। आगे अभी हम लोग टालीगंज तरफ जा रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या रस था, क्या भीड़ था, सीधे है टालीगंज। तो अभी टालीगंज मेट्रो के पास आ गए, और ये सीधा रास्ता जाएगा खुदघाट, और ये साइड में जा रहा है गड़िया।
हाँ यहाँ पे आ गया और ये खुलेगा अभी। अभी खुदघाट अपने कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है मेरे वीडियो। CIEM इस तरफ हम रहते थे और इधर आ गए कॉलेज के गेट के पास। कॉलेज के लिए लेते थे, यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते थे। अभी टोलीगंज के यहाँ पे हैं और कॉलेज में जो काम था आज हो गया। एंड बताइए आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो। एंड पहले से इस चैनल पे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करना है तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।